मुझे तो लगता है कि एलजी प्रशासन तो यही चाहता था कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज हो, तो हो भी गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार इतनी लंबी एजिटेशन इम्प्लॉयज की हुई है और जायज मांगों को लेके। एलजी मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने खुद 11 नवंबर 2020 को जब राजभवन में हमारी उनके साथ बैठक हुई थी, तो उन्होंने खुद माना था कि आपकी डिमांडें जायज हैं, नेशनल मीडिया के ऊपर बोला था कि ये जो डेली वेजर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग बिल्कुल जायज है, और मैंने एक कमेटी गठित की हुई है जो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी और हम इनका मसला हल करेंगे। 2022 से 2024 भी खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक वो वादे जो है वो हवा में ही रहे हैं। चाहे वो ठंड का मौसम हो, बरसात हो, 45 डिग्री टेम्परेचर, जब ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलते और हम लोग सड़कों पे धक्के खा रहे थे, किस लिए? अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन दे दो, जो हमें 7 साल के बाद मिलनी चाहिए थी। दूसरा, हम मांग रहे हैं 17 महीने की पेंडिंग वेजेस, जो कि मौजूदा जो केंद्र में सरकार है बड़े बड़े दावे करने के लिए विख्यात है कि हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी। इसी सरकार के रहते 2015 से लेकर 2022 तक हमारी 17 महीने की वेजेस जो है वो नहीं दी गई। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 क्लियर कहता है हर महीने की 7 तारीख को वेजेस मिलनी चाहिए, अगर कोई डीडीओ वेजेस नहीं देता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस में बुक किया जा सकता है, लेकिन जम्मू के अंदर इतनी तानाशाही, इतनी ब्यूरोक्रेसी हावी के 17 महीने वेजेस रोक ली बिना किसी वजह के। कोविड के अंदर ऑफिशियल जो स्टाफ था उनको ऑर्डर कर दिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम करो, क्योंकि उनकी जान की फिक्र थी, लेकिन जो फील्ड स्टाफ था, जो डेली वेजर था, उनको और ज्यादा ड्यूटियां सख्त हो गई कि आपको जहां तक कोविड पेशेंट होगा उसके घर में पानी की सप्लाई बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि हर किसी को बोल दिया गया कि आप बार बार हैंड वॉश करो, हाथ धो, लेकिन वो पानी किस तरीके से वो वहां पर पहुंचा रहा है उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। प्यारे लाल शर्मा जी की तरफ से डेली वेजर की बात की गई असेंबली के अंदर, सुरेंद्र चौधरी जी की तरफ से की गई, महराज मलिक की तरफ से मुद्दा उठाया गया, और महराज मलिक सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, लेकिन उसके बावजूद वो मुद्दे को उठा रहे हैं, असेंबली में ला रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन थी, जिनका ये फर्ज बनता था और जिनको उठाना चाहिए था सरकार को घेरने के लिए, वो खामोश है, वो और ही किसी मुद्दे पे लड़ लड़ के खुद को, उनको बोलते हैं पता नहीं सेटिंग करके आते हैं कि आप उठा के हमें बाहर फेंक दो तो उसके बाद हम बाहर बैठ जाएंगे, तो हमें जनता को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि हमने मुद्दे क्यों नहीं उठाए। अगर पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी को रोक दिया जाए ना, तो सरकार से बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर सबसे नीचे वाली रेंज तक सब सड़कों पर होंगे, लेकिन वही डेली वेजर्स अगर अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो ये जो बड़े बड़े लोग कुर्सियों पर बैठे हैं ये एक तो पहले नजरअंदाज करते हैं और उसके बाद लाठियां भी बरसाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हमने विजुअल्स आपको दिखाए हैं कि डेली वेजर्स ने कितनी ज्यादा लाठियां खाई हैं, धक्के मुक्के खाए हैं, ये गिरे हैं मगर टूटे नहीं है, ये आज भी एक साथ हैं मगर बिखरे नहीं है। डेली वेजर्स का वही मसला जो अभी तक सरकारों से हल नहीं हो पाया, ना ही उन सरकारों से जो पहले थी, फिर बीच में 10 साल के टेनओवर में एलजी प्रशासन आया और अब तो सरकार भी बन गई, और 876 दिनों से डेली वेजर्स दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ना उनके घरों में दिवाली के दिए जले हैं, ना ही दिवाली के पटाखे जले हैं, ना ही ईद बनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़े से बड़े दिग्गज नेता के कानों पर भी जू नहीं रहेंगी। 876 दिन, अगर इसको हम सरकार की तरफ कर लेते तो शायद 8 घंटे या 8 मिनट में बहुत सारी चीजें वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। अब 876 दिन है, क्या ये 1000, ऐसा तो नहीं है कि 1000 दिन, 1500 दिन ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा, या फिर से वही एक लहर डेली वेजर्स की वापस सड़कों पर देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन पहले अभी एलजी प्रशासन का थोड़ा सेटअप चेंज हुआ है, चुनी हुई सरकार आई है, तो एक उम्मीद की किरण है कि हमारे खुद के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो आज सत्ता में हैं। तो मुझे तो लगता है कि एलजी प्रशासन तो यही चाहता था कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज हो, तो हो भी गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार इतनी लंबी एजिटेशन इम्प्लॉयज की हुई है और जायज मांगों को लेके, जिसको कि हर किसी ने जायज माना है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पुरानी सरकारें हों या यहाँ तक कि हमारे मौजूदा एलजी मनोज सिन्हा जी,
जिन्होंने खुद 11 नवंबर 2020 को जब राजभवन में हमारी उनके साथ बैठक हुई थी तो उन्होंने खुद माना था कि आपकी डिमांडें जायज हैं। उसके बाद 10 सितंबर 2022 को एक कन्क्लेव के अंदर उन्होंने नेशनल मीडिया के ऊपर बोला था कि ये जो डेली वेजर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग बिल्कुल जायज है और मैंने एक कमेटी गठित की हुई है जो इसी माह के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करेगी और हम इनका मसला हल करेंगे। 2022 से 2024 भी खत्म हो रहा है लेकिन अभी तक वो वादे जो हैं वो हवा में ही रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ही उन्होंने इस चीज को डिनाई किया। और आपने खुद जिक्र किया डेली वेजरों ने 876 दिनों में क्या क्या सहन किया, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, धक्के मुक्की, हर एक सिचुएशन, चाहे वो ठंड का मौसम हो, बरसात हो, 45 डिग्री टेम्परेचर, जब ये लोग घरों से बाहर नहीं निकलते और हम लोग सड़कों पे धक्के खा रहे थे, किस लिए? अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं कि हमारी रेगुलाइजेशन दे दो जो हमें 7 साल के बाद मिलनी चाहिए थी। दूसरा हम मांग रहे हैं 17 महीने की पेंडिंग वेजेस, जो कि मौजूदा जो केंद्र में सरकार है बड़े बड़े दावे करने के लिए विख्यात है कि हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी। इसी सरकार के रहते 2015 से लेकर 2022 तक हमारी 17 महीने की वेजेस जो है वो नहीं दी गई, जो कि टोटली इनजस्टिस भी है और कानून का उल्लंघन भी है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 क्लियर कहता है हर महीने की 7 तारीख को वेजेस मिलनी चाहिए, अगर कोई DDO वेजेस नहीं देता है तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस में बुक किया जा सकता है। लेकिन जम्मू के अंदर इतनी तानाशाही, इतनी ब्यूरोक्रेसी हावी के 17 महीने वेजेस रोक ली बिना किसी वजह के, और जब सरकारी डिपार्टमेंट चलाने होते हैं, जब काम की बारी आती है, आपने देखा जब कोविड आया, कोविड के अंदर ऑफिशियल जो स्टाफ था उनको ऑर्डर कर दिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम करो, क्योंकि उनकी जान की फिक्र थी। लेकिन जो फील्ड स्टाफ था, जो डेली वेजर था, उनको और ज्यादा ड्यूटियां सख्त हो गई कि आपको जहां तक कोविड पेशेंट होगा उसके घर में पानी की सप्लाई बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि हर किसी को बोल दिया गया कि आप बार बार हैंड वॉश करो, हाथ धो, लेकिन वो पानी किस तरीके से वो वहां पर पहुंचा रहा है उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। हमें बहुत अप्रिशिएट किया उस वक्त, हमारी ड्यूटीज को, हमारे काम को अप्रिशिएट किया गया, हमें कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया, बड़े बड़े अक्षर लिखे गए ये कोविड वॉरियर्स हैं, हमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई शील्डें तक दी गई, सर्टिफिकेट दिए गए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड के दौरान। लेकिन जो हमारी बेसिक जरूरत थी, जो हमें 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए चाहिए थी सैलरी वेजेस, वो नहीं दी गई। वो पता नहीं क्यों नहीं दी गई कि शायद वो सर्टिफिकेट को हमें चार चार के हमें पेड़ भरना था। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हमारी जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है, हमारी सरकारें किस तरीके का विकास कर रही हैं। अब आपको क्या लगता है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में गए हैं, अव्वल तो वो दंगल लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी बैठक हुई है असेंबली में उन्होंने अभी तक डेली वेजर्स की कोई बात नहीं की, स्टेटहुड और 370 पर ही बात की। होना ये चाहिए था कि डेली वेजर्स का सबसे पहला हक जम्मू कश्मीर में है डेली वेजर्स का, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बहुत बार इन्होंने कहा कि हम पानी रोकेंगे, मगर वो ह्यूमैनिटी जो इंसानियत थी इन्होंने नहीं रोका, क्योंकि बाकी लोग सफर कर, अगर बाई चांस वो पानी 1 घंटे के लिए रुक जाए जम्मू कश्मीर में क्या होगा? हमने एक ट्रायल दिखाया था जब 17 अक्टूबर 2022 को थोड़ी देर के लिए हम कंपनी बाग में घुसे थे, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पैर फूल गए थे, लेकिन उस वक्त फिर भी हमने ये सोचा कि हॉस्पिटल का पानी बंद है, तो हम इतने जालिम नहीं है, हम लोगों को पानी पिलाने के लिए नौकरी करते हैं, और शुरू से लेकर अगर 30-30 सालों से हमने लोगों को पानी पिलाया, हम किसी का पानी बंद करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि पानी जो है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, सरकार की नहीं है। सरकार को झुकाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और सरकारें झुकती भी रही हैं, सरकार होती ही पब्लिक के लिए, हमने पहली सरकार देखी है जिसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 5-6 सालों से इतनी एरोगेंट लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनको कोई दुनियादारी से लेना नहीं है। हिस्ट्री में जब हमने 29 जून 2022 को पुल बंद किया, 7-7.5 घंटे तक हमारी पूरी सिटी चौक हो गई थी, हम खुद उस चीज को समझ रहे थे कि बहुत सारी जनता ऐसी होगी, क्योंकि कभी हम जब जाम में फंस जाते हैं तो हम भी दिल में कितनी गालियां देते हैं कि किस वजह से जाम लगा हुआ, और हम भी ये समझते हैं सरकारें झुकती भी रही हैं, सरकार होती ही पब्लिक के लिए, हमने पहली सरकार देखी है जिसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 5-6 सालों से इतनी एरोगेंट लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनको कोई दुनियादारी से लेना नहीं है। हिस्ट्री में जब हमने 29 जून 2022 को पुल बंद किया, 7-7.5 घंटे तक हमारी पूरी सिटी चौक हो गई थी,
हम खुद उस चीज को समझ रहे थे कि बहुत सारी जनता ऐसी होगी, क्योंकि कभी हम जब जाम में फंस जाते हैं तो हम भी दिल में कितनी गालियां देते हैं कि किस वजह से जाम लगा हुआ है, और हम भी ये समझते हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं। तब ये कहते हैं कि बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, आपका मसला अंडर कंसिडरेशन है। आप ये बताओ किस पे विश्वास करे कोई। एलजी सुपर पावर हमारे जम्मू कश्मीर में थे, उसके बावजूद उन्होंने दो दो बार वादा किया, वो अपने वादे से झूठे साबित हुए। अब आप बताएं किस पे भरोसा किया जाए। आपने कहा कि अभी असेंबली सेशन चला, होता क्या है जो भी रूलिंग पार्टी होती है या सरकार होती है उसको घेरने का काम विपक्ष करता है, विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दों को लेके आता है। और इस बार हमने पहली बार देखा, अगर डेली वेजर का चर्चा, हम ये नहीं कहते कि नहीं हुआ, लेकिन चर्चा हुआ तो किसकी तरफ से हुआ, सत्ता की तरफ से, जिसकी सरकार है। प्यारे लाल शर्मा जी की तरफ से डेली वेजर की बात की गई असेंबली के अंदर, सुरेंद्र चौधरी जी की तरफ से की गई, महराज मलिक की तरफ से मुद्दा उठाया गया, और महराज मलिक सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, लेकिन उसके बावजूद वो मुद्दे को उठा रहे हैं, असेंबली में ला रहे हैं। लेकिन जो अपोजिशन थी, जिनका ये फर्ज बनता था और जिनको उठाना चाहिए था सरकार को घेरने के लिए, वो खामोश है, वो और ही किसी मुद्दे पे लड़ लड़ के खुद को, उनको बोलते हैं पता नहीं सेटिंग करके आते हैं कि आप उठा के हमें बाहर फेंक दो तो उसके बाद हम बाहर बैठ जाएंगे, तो हमें जनता को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि हमने मुद्दे क्यों नहीं उठाए। ये तो हालत चल रही है। और हम तो पिछले एक दो दिन से सोशल मीडिया के थ्रू ये सुन रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने मिनिस्टरों को ये बोल दिया है कि डेली वेजर के मसले को जल्द से जल्द हल करने का तरीका खोजो। तो अगर ऐसा सरकार करती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो होगा वो सरकार की तरफ से होगा, और उमर अब्दुल्ला की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होगी वो मुझे लगता है उनके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट डेली वेजर की होगी। मैं आपसे ये जानूंगा कि जो लोग इस ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, मैं तो शहीद ही मानता हूं, उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं आप या सरकार, जैसे वो चीज कर लेती है, मान लीजिए उमर अब्दुल्ला कर लेंगे तो जो डेली वेजर शहीद हुआ है उसके परिवार के खातिर क्या कुछ होगा? देखिए, हमारा स्पष्ट ये सरकार को कहना है, जो पॉलिसी आपने 2014 में बनाई थी, क्योंकि तब भी उमर अब्दुल्ला सीएम थे, कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, कैबिनेट सब कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें 61,011 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर जो काम करते थे, उसमें इन्होंने तीन फेज में रेगुलाइजेशन की बात की थी और उसमें सीधा SRO 64 इम्प्लीमेंट हो रहा था। हम उनसे यही अपील करते हैं उस कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। अगर SRO 64 मिल जाता है तो उससे क्या होगा, जिन लोगों की डेथ हो भी गई है, 7 साल के बाद जो उनका पीरियड लगा होगा, जो उन्होंने एक्स्ट्रा ड्यूटी दी होगी, उसका बेनिफिट उनके परिवार को मिल जाएगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है उमर अब्दुल्ला सरकार से, आप 64 इम्प्लीमेंट करें, चाहे आप फेज मैनर में करना चाहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फेज मैनर में ही करें, लेकिन SRO 64 के बिना अगर आप कोई और पॉलिसी लागू करते हो उससे जो हमारे लोग रिटायर हो गए हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उसके साथ जिनकी डेथ हो गई है उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने 30-30 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, आज उनको खाली हाथ घर भेज दिया गया है, उनका जो राइट बनता है उनको भी बराबर मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं गिरते हैं सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने डेली वेजर्स को तोड़ने मरोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन ना ही ये टूटे ना ही ये झुके, और पानी भी आज भी जम्मू कश्मीर के हर उस इलाके में, यहां तक कि पहाड़ पर भी ये लोग पानी पहुंचा रहे, क्योंकि हमने खुद कोविड के टाइम पर फील्ड की रिपोर्टिंग की है और हमने देखा है बारिश और धूप इन लोगों ने नहीं देखी। ये अकेले नहीं है, इनके पीछे आप वो चीज नहीं देख पा रहे जो मैं देख रहा हूं। ये आपको 7-8 लोग लग रहे होंगे, लेकिन मैं पूरे 61,000 लोग देख सकता हूं, तो आपकी आंखों को भी देखने की जरूरत है। और जो भी पॉलिसीज हैं, जो इनकी जायज मुरादे हैं, उनको तो आपने पूरा करना है, क्योंकि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपको लोगों ने चुना है ताकि इनके आने वाले जो पीढ़ी है उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। अब आप जरा ये सोचिए कि क्यों हम आज की दौर में डिफरेंशिएट करते हैं कि तुम्हारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या प्राइवेट। अगर पैसा होगा तो हम भी चाहेंगे कि इनके बच्चे भी किसी ऐसे स्कूल में पढ़े जब वो बाहर निकले तो IAS IPS ऑफिसर हो। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अब आपको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि फैसला करने की जरूरत है। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।